हेलो फ्रेंड्स, एसेट कंपाउंडर्स एकेडमी में आप सभी का आज फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो अपने सेगमेंट में, अपने फील्ड में लीडर है। कॉम्पिटिटर तो बहुत है, जनरल सा बात है, कोई भी बिजनेस में कॉम्पिटिटर बहुत है। अपने कॉम्पिटिटर में तीसरे नंबर पर आता है, फिर भी ये ग्रोइंग है, ऐसा ग्रोइंग है जो अपने इन्वेस्टर को बहुत सालों से खुश करता आया है। जो भी इस कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं, निराश नहीं किया। जी हाँ, निराश नहीं किया। आगे क्या प्रोस्पेक्टिव है, क्या इसका अर्निंग बरकरार रहेगा या फिर डाउन आएगा? आपको इस कंपनी में अभी इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, या वेट करना चाहिए अंडर वैल्यू आने का, या ऑलरेडी अंडर वैल्यूड है? इन सब के बारे में आज हम लोग जानेंगे और पता लगाएंगे कैसा है ये स्टॉक। ये सब कुछ जानेंगे, जानते रहे हैं, आगे भी हम आपका सेवा करते रहेंगे, ऐसे ऐसे वीडियो लाते रहेंगे जो आपको स्टॉक मार्केट में वेल्थ क्रिएट करने में मदद करे, साथ ही साथ लॉस मिनिमाइज करे, रिस्क आपका स्टॉक मार्केट में कम करे। ये सब कुछ हम हमेशा आपके लिए लाते रहेंगे, लेकिन इसके लिए ये जरूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें हमारे चैनल को और इस वीडियो को भी, एंड बेल आइकन को भी प्रेस करें फ्रेंड। जी हाँ, हमेशा से एसेट कंपाउंडर एकेडमी का ये उद्देश्य रहा है कि आपको ऐसी जानकारी देना जो आपका स्टॉक मार्केट में रिस्क कम करे, वेल्थ क्रिएट करे, आपका पैसा कंपाउंड करे। जी हाँ, तभी तो आप हमें पसंद करते हैं, तभी तो आप चाहते हैं कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पे वीडियो बनाते रहे। बहुत सारे सजेशन आते हैं, आपके सजेशन को हम लोग फॉलो करते हैं और उस पे काफ़ी हद तक कोशिश करते हैं कि आपको निराश नहीं करें, और जो भी आप बोलते हैं उस पे जरूर वीडियो लाता है। तो शुरू करते हैं फ्रेंड हम लोग अपना आज का वीडियो, लास्ट तक देखिएगा, एक भी मिनट स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि पूरा का पूरा हमारे वीडियो का कंटेंट ऑसम रहता है, ये आपको भी पता है, अनस्किपेबल रहता है। हमेशा हम वही जानकारी आपको देंगे जो आपके लिए फायदेमंद है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट नाउ। आज का जो हमारा कंपनी है जिसपे हम लोग एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटल प्लस टेक्निकल, और बताएंगे कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, आपको इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए भी या नहीं। जी हाँ, उस कंपनी का नाम है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज। जी हाँ फ्रेंड, इस कंपनी का नाम है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज। अपने आप में एक लीडर है, अपने सेगमेंट में लीडर है। इसके कॉम्पिटिटर भी है, जैसा कि मैंने आपको बताया, सुप्रीम इंडस्ट्री भी इसका कॉम्पिटिटर है, एस्ट्रल भी इसका कॉम्पिटिटर है। जी हाँ फ्रेंड, उन सब के बारे में भी जानेंगे, कंपेयर भी करेंगे, भैया इसमें ऐसा है, खास क्या है। आज में भी मेरा वॉइस थोड़ा क्लियर ना, गला बैठा हुआ है। ठीक है, तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि आखिर खास क्या है ये इसका, ये कंपनी अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, क्या है। सबसे पहले इसके मार्केट कैप पर नजर डालते हैं, 11,367 करोड़। जी हाँ, 11,367 करोड़। आज ओवरऑल मार्केट काफ़ी डाउन रहा, ओवरऑल मार्केट आज काफ़ी डाउन रहा, उसके बाद भी ये आज 2% की तेजी में बंद हुआ है अप्रॉक्स। अच्छा साइन है। क्यों अच्छा साइन है? क्योंकि ये एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है, इसका पी क्लियर इंडिकेट कर रहा है इसे, 13 का पी है। इसका फंडामेंटल जैसे जैसे जाएंगे देखेंगे कि अब इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। अगर इन्वेस्ट करना चाहिए तो क्या इसी प्राइस पे करना चाहिए या थोड़ा वेट करके करना चाहिए, सब कुछ जानेंगे। ठीक है, पहले पी पर नजर डालते हैं। पी इसका है फ्रेंड 13.3 का। आगे बढ़ते हैं, बुक वैल्यू और करेंट प्राइस को कंपेयर करें तो हमें खुद पता चल जाएगा ये स्टॉक बुक वैल्यू और करेंट प्राइस को कंपेयर करने के बाद अंडर वैल्यूड है। जी हाँ, तो पहला सिंबल ये पी देख करके अंडर वैल्यू, दूसरा इनको कंपेयर करके अंडर वैल्यू, तीसरा देखते हैं फ्रेंड आखिर तीसरा क्या है। यहाँ आते हैं, नेटवर्थ एंड मार्केट कैप, पिछले वीडियो में बताया था कैसे कंपेयर करके अंडर वैल्यू देख सकते हैं। इन दोनों का डिफरेंस काफ़ी कम है, ये भी इंडिकेट कर रहा है कि एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है। आगे और बढ़ते हैं, अब इसके अर्निंग वगैरह पर नजर डालते हैं। भैया है क्या ये, मैं अभी स्नैप बता रहा हूँ, पूरा डिटेल भी अभी जानेंगे।
वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। बेल आइकन नहीं प्रेस किया कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इसके बाद एक धमाकेदार स्टॉक और आ रहा है जिसका वीडियो आपको रेयरली मिलेगा, लेकिन इन्वेस्टर बहुत मिलेंगे, शायद आप भी इन्वेस्ट किए होंगे उस स्टॉक में। जी हाँ फ्रेंड, ठीक है, नाउ आगे देखते हैं। देखते हैं भैया इसका रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है। आरओई देखिए शानदार 29%, कहीं मत जाइएगा, अभी और भी हैं इनके साथ जानकारी जुड़ी हुई। अब इसके बाद देखते हैं रोज क्या है, रोज पे नजर डालते हैं और देखते हैं भाई रोज ओवरऑल। अभी ये स्नैप ले रहे हैं फ्रेंड, अभी एक झलक देख रहे हैं, पूरा व्याख्यान करेंगे इस स्टॉक का, टेक्निकल भी फंडामेंटल भी। जी हाँ, अब आइए इस पर नजर डालते हैं इसके रोज पे। रोज क्या है, शानदार 36% का रोज है, बेहतरीन। पिछले 10 साल का भी रोज देखेंगे, कहीं जाइएगा मत। इसके बाद डेट की बारी है, उससे पहले देख लेते हैं मैंने क्या बोला कि इस स्टॉक में, इस कंपनी के एनालिसिस में छोटा सा बग है जो आपको पिछले 3 साल नहीं उससे थोड़ा सा पहले देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे वो बग क्या है, चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग नॉमिनल से है -0.18। अगर इस बग को आप पूरा इसका प्रमोटर होल्डिंग देखने के बाद इग्नोर कर सकते हैं तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि इतने से के लिए इस स्टॉक को छोड़ना सही नहीं होगा। ठीक है, दूसरा मैं अपने वीडियो में क्या फोकस करता हूं फ्रेंड, कंपनी में डेट नहीं होना चाहिए, चाहे जो हो जाए कंपनी में डेट नहीं होना चाहिए, और डेट हो भी तो 10% से ज्यादा नहीं। ओके, आगे देखते हैं। उसके पहले एक सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल में 8% और 5 साल में 7%, मतलब यह 3 साल और 5 साल इस मंदी के दौर को भी कवर कर रहा है। ओके, आगे चलते हैं, डेट पे नजर डालते हैं। यहां पे हमें जिसका इंतजार था मिल चुका है, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, मतलब ये कंपनी डेट फ्री कंपनी है। इसके प्रोज में आप देख सकते हैं और इसके कॉन्स में भी आप देख सकते हैं, मतलब क्या, ये कंपनी अगर पिछले 5 साल में 7% का सेल्स देती है तो इसको कॉन्स में डाल दिया, और ऐसी ऐसी कंपनियां जो पिछले 5 साल क्या छोड़ो 10 साल में भी -10-20% का सेल्स दिया हुआ है, उसके शेयर प्राइस आज आसमान छू रहे हैं। कैन यू बिलीव, ठीक है, तो इसको आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हो, इट डजंट मीन दैट इट इज अ कॉन्स। इतने मंदी के बाद यहां पे क्या है, यहां पे देखते हैं वापस डेट फ्री कंपनी है, एक्सपेक्टेड है गुड क्वार्टर, डजंट मैटर, इसको आप इग्नोर कर सकते हो, मैं इसको प्रोज में नहीं मानता। ठीक है, गुड प्रॉफिट है, 26% का कैगर दे रहा है पिछले 5 साल से। ओके, इसके बाद एक डिविडेंड, मतलब क्या, आपको रिटर्न ऑन इक्विटी तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ यहां पे 36% का डिविडेंड पे आउट भी मिल रहा है, और क्या चाहिए आपको, बल्ले बल्ले है दोनों तरफ से। आगे और देखते हैं फ्रेंड, जो अच्छी कंपनी होती है वो मैं आपको बताता हूं, जो बुरी कंपनी होती है उसको भी मैं आपको बताता हूं, डिसाइड आपको करना है। हो सकता है कि ऐसी कई चीजें मैं ना देख पा रहा हूं, शायद आपके नजर में हो, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही तो बढ़ेंगे हम, ऐसे ही तो बढ़ेंगे आप। आइए आगे देखते हैं और आगे चलते हैं, आइए बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। अभी मैंने आपको इसके कॉन्स के बारे में बताया, कॉन्स के बारे में मैंने क्या बताया कि -0.18 से पिछले 3 साल बोल दो उसके पीछे ही। अभी हम लोग देखेंगे प्रोमोटर होल्डिंग ने अपना चेंज किया है, परसेंटेज कितना चेंज किया है, 0.18% से चेंज किया है। यहाँ देखो फ्रेंड, यहाँ कहीं पिछले 3 साल से कुछ देखने के लिए नहीं मिल रहा, मतलब उसके पहले एक दो महीना पहले हो सकता है। ठीक है, तो मे बी इग्नोर कर सकते हो, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहां पे, आप एक बार एफआईआई के होल्डिंग पे नजर डाल लो। आप ये रहा फ्रेंड एफआईआई, और ये रहा 2019 का इसका होल्डिंग, और आज के डेट में देखो इसका होल्डिंग। एफआईआई इस पे फेथ जमा रहा है, एफआईआई अपना परसेंटेज बढ़ा रहा है, तब भी क्या आप उस -0.18% की प्रमोटर होल्डिंग चेंज को कंसीडर करना चाहोगे जो अप्रोक्स 3 साल है उसके पहले हुआ? आपको सोचना तो पड़ेगा इसके बारे में, सोचना तो जरूर पड़ेगा फ्रेंड, है ना मुद्दा ये। ठीक है, ऑब्वियस सब बात है, एफआईआई होल्डिंग बढ़ाया है, बहुत अच्छी चीज है।
थोड़ा इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है इसमें, ठीक है। आगे देखते हैं, इसके अब रोज पर नजर डालते हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। अब आते हैं रोज पे और देखते हैं रोज रेशियोज। ओके, रोज 2010 में 20% का था, कंसिस्टेंट बढ़ा 12-10, उसके बाद से देखो 19-23-11-24, मतलब और मार्च 2021 में 36% का रोज है। ऑन एन एवरेज पिछले 10 साल से ये अप्रॉक्स 12-24% का रोज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय ये हमें देता आ रहा है। ओके, रोज सही, प्रमोटर होल्डिंग सही, FII का फेथ है इसमें, अंडर वैल्यूड स्टॉक है, बुक वैल्यू करेंट प्राइस इसको जस्टिफाई भी कर रहा है, सेल्स ग्रोथ अच्छा है, डेट फ्री कंपनी है, अपने फील्ड में लीडर है, और क्या चाहिए आपको। फिनोलेक्स इंडस्ट्री, मैं बता दूं कि फिनोलेक्स इंडस्ट्री करता क्या आखिरकार है। फिनोलेक्स इंडस्ट्री पाइप बनाता है, PVC पाइप बनाता है, मेनली जो एग्रीकल्चर में यूज होते हैं पाइप, जो एग्रीकल्चर करने में जो इक्विपमेंट यूज होते हैं, जो मशीनरी यूज होती है, उनके लिए पाइप बनाता है, ठीक है। उसके साथ साथ ये सैनिटरी के भी पाइप्स बनाता है, ओके, प्लम्बिंग के भी पाइप बनाता है, ये सारे पाइप बनाता है और इन फील्ड में ये लीडर है। लोग इसके प्रोडक्ट, इसकी क्वालिटी को काफ़ी पसंद करते हैं, तभी इसका सेल्स बढ़ता है, तभी इसका ग्रोथ होता है इस कंपनी का। अब इसके बाद आकर के देखते हैं टेक्निकल चार्ट कि इसका टारगेट क्या हो सकता है। हमारे सामने फ्रेंड टेक्निकल चार्ट शो हो रहा है, मैक्स पे क्लिक करते हैं और ये रहा मैक्स का चार्ट, ठीक है। अगर 2006 की बात करें फ्रेंड, ये लगभग 20-25 रुपये का होगा, और आज के सिनेरियो में बात करें तो ये अप्रॉक्स 183 के आसपास कोट हो रहा है, ठीक है। अगर जो 25% का कैगर है, अगर 30 डिग्री भी इसका हम लोग मेंटेन करते हैं तो लगभग 250 होना चाहिए, लेकिन जो इसका रोस है, जो इसका ग्रोथ है और जो इसका फंडामेंटल है, आइडियल स्टॉक माना जा सकता है, कंसिस्टेंट कंपाउंडर माना जा सकता है, तो कंसिस्टेंट कंपाउंडर का एक ग्राफ प्लॉट करते हैं जो कि 45 डिग्री का होना चाहिए, और ये 45 डिग्री लगभग 500 प्राइस को इंडिकेट कर रहा है, तो आज के सिनेरियो में इसका प्राइस 500 अप्रॉक्स होना चाहिए, जो कि हमें नहीं दिख रहा है, तभी यह स्टॉक एक अंडर वैल्यूड स्टॉक माना जा रहा है, ठीक है। एक अच्छा क्वार्टर, एक अच्छा रिजल्ट इस कंपनी के फेवर में, एक छोटा सा न्यूज इसके शेयर प्राइस को कभी भी बूस्ट कर सकता है, जैसा कि इस ब्रेकआउट के बाद हुआ, 150 से सीधा 240 रुपए, ठीक है फ्रेंड। ये चार्ट बता रहा है टेक्निकली भैया क्या है, इतना अच्छा फंडामेंटल और अपने इस कर्व को ये मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तभी अंडर वैल्यूड है। हमारा काम क्या है, इस चढ़ते मार्केट में एक ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना जो आने वाले समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा दे, जो अंडर वैल्यूड हो, और इस जो अभी का मूव आया है मार्केट में, आई डोंट थिंक सो कि ये एक जेन्यून मूव था, अभी तो करेक्शन आना शुरू हो चुका है, उस करेक्शन में भी आज ये स्टॉक 2% तेज है। डिपेंड आप पे करता है आप किस तरह से इस स्टॉक को लेते हो, छोटा सा बग है जो मैंने आपको बता दिया, बाकी फंडामेंटली सही है। अगर मेरा सजेशन है, मैं पर्सनल पर्सपेक्टिव से अगर बोल रहा हूँ, तो मेरा ये सजेशन है कि ये स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में अगर ऐड करते हैं तो हमारे पोर्टफोलियो का रिटर्न काफ़ी अच्छा बनाएगा, काफ़ी हद तक बढ़ाएगा, और हमारे पोर्टफोलियो के रिटर्न को काफ़ी हद तक कंपाउंड करने में मदद करेगा, ठीक है। हमारे अगर पोर्टफोलियो में 20 स्टॉक है तो ये स्टॉक आने वाले समय में मल्टीबैगर साबित हो सकता है फ्रेंड, मल्टीबैगर साबित हो सकता है। ये तो मैंने टारगेट 1-1.5 साल, मैक्स टू मैक्स 2 साल का बताया फ्रेंड। हो सकता है किसी कारण से कुछ इसके साथ, या कोई प्रमोटर एग्जिट कर जाए, या कुछ भी, स्टॉक मार्केट है, कुछ सर्टन नहीं होता, यहां पे कुछ भी सर्टन नहीं होता, रातों रात क्या हो जाए नहीं पता, नोटबंदी हुआ था रातों रात क्या हुआ मार्केट में नहीं पता, रिकैपिटलाइजेशन हुआ था रातों रात स्टॉक मार्केट, PSU बैंक का हाल क्या हुआ था आपको भी पता है, ठीक है।
लेकिन जो पास्ट चला रहा है उस पास्ट को देख करके हम ये एनालाइज किए और डेटा को एनालाइज करके ये प्रेडिक्ट किए कि आने वाले समय में ये स्टॉक एक मल्टीबैगर साबित हो सकता है। तो आज के लिए इस स्टॉक के लिए इतना ही, इस वीडियो के लिए इतना ही। ओके, हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टॉक पे बनने जा रहा है फ्रेंड। बहुत सारे इन्वेस्टर, बोल सकते हो मैक्सिमम इन्वेस्टर उस स्टॉक में इन्वेस्ट किए हुए हो, लेकिन फिर भी उसमें वीडियो खोजोगे तो नहीं मिलेगा ना के बराबर, और मिलेगा भी तो ना कोई फिक्स टारगेट, ना कोई फिक्स स्टॉप लॉस, ना कोई फिक्स प्रेडिक्शन, नथिंग। ओके, हमने काफ़ी रिसर्च किया है, उसके बाद हम उस वीडियो को हमने सेलेक्ट किया है सिर्फ आपके लिए। ठीक है, ऐसे ही हमारे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू सो मच।